गुड मॉर्निंग, वेलकम। देखिए, डी एक्शन बाबा का न्यू तरीका, डी एक्शन नीलेम हेयर ऑयल कैसे बेचते हैं। आप किसी भी तरीके से आप डी एक्शन के प्रोडक्ट बेच सकते हैं, पर शर्म नहीं करना चाहिए। जिसने शर्म किया उसका करम। तो जिसने किया शर्म उसका फूटा करम। शर्म किस बात का भाई, चोरी करने में शर्म आनी चाहिए और धोखा देने में शर्म आना चाहिए, ना कि अपनी अच्छी क्वालिटी, वर्ल्ड लेवल की क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने में हमें क्या शर्म। इसलिए आज ही अपनी शर्म को हटाइए और अपनी पसंदीदा डी एक्शन का प्रोडक्ट घर घर में पहुंचाइए, जिसकी हर इंसान को आज ज़रूरत है, मांग है। ये डी एक्शन नीलीटेलम हेयर ऑयल है, इसको बहुत लोगों ने यूज़ किया मगर लगाने का तरीका नहीं मालूम हुआ, इसलिए कई लोगों का रिजल्ट मनपसंद नहीं आए। लगाने का तरीका यह है कि बालों के जड़ों में लगाना है, 5 मिनट तक मसाज करना है उंगली से और उसको छोड़ देना है, ठीक है। अगर रात को लगाते हैं तो सुबह धो लीजिए शैम्पू से, अगर आप दिन में लगाते हैं तो 1-2 घंटे लगा हुआ छोड़ के उसके बाद आप शैम्पू से नहा लीजिए। तरीका यह है, अगर आपने ऊपर ऊपर लगाया, सिर्फ ऊपर ऊपर में, और आप चाह रहे हैं कि हमारे बाल झड़े ना, घने भी हो, तो ऐसा फिर मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि बालों के जड़ों में ही तो खाद केमिकल वगैरह जाएंगे, तभी तो होंगे। साथ में डी एक्शन का जो स्पाइरुलिना होता है ना, उसको भी खाना चाहिए, ताकि बालों को प्रोटीन विटामिन मिले, जिसकी वजह से आपका बिल्कुल ग्रोथ बढ़े। किसकी? बालों की। और तेज़ी से आपकी लंबाई हो, बाल घने घने काले हो। और इस डी एक्शन यानी हेयर ऑयल में आपको मैं मशवरा दूंगा कि अगर आप चाहें तो मेरे पास एक कलौंजी का तेल आप मंगा के उसके साथ लगवाइए, क्योंकि हमने रिजल्ट इसका देखा है। क्या देखा है? कलौंजी का ऑयल मिला के हमने लगवाया है बहुत सारे लोगों को, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला इसका। तो नीली हेयर ऑयल थोड़ा सा ठंडा भी है, ठीक है, ठंड मिजाज वालों के लिए ऐसे यूज़ नहीं करना चाहिए। उसमें कलौंजी का ऑयल मिला दीजिए तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर मेरे से कलौंजी का ऑयल मंगाएंगे, ओरिजिनल प्योर, 150 साल पुरानी कंपनी, खो जाती कंपनी, और उसमें मिला के लगाइए, फिर देखिए इसका कमाल। थैंक यू, शुक्रिया, आपने हमारी इस छोटी सी जो बच्चा खड़ा साइड में है उसका प्रचार देखकर आप जरूर चेहरे में मुस्कुराहट आई होंगी। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। मुझे उम्मीद है जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।